गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। और ये जो वीडियो है ये है मकर संक्रांति का व्लॉग। मकर संक्रांति में सुबह सारे काम निपटा के नहा धो करके ये मैं राम और टिमटिम के लिए उपमा बना रही थी किचन में, तब की ये छोटी सी क्लिप बना रही थी। बिकॉज हम लोग का तो लेट होने वाला था नाश्ता, क्योंकि पूजा पाठ करके मंदिर जाना था पहले, तो सारी चीज़ें लेट हो जाती, तो इसलिए बच्चों के लिए मैंने नाश्ता बना दिया था उपमा, और दोनों को मैंने मॉर्निंग में ही खिला दिया था। और आई थिंक 9 o'clock हो रहे थे, 9:30। फिर उसके बाद में मैंने पूजा के लिए ये चिक्की वगैरह जो भी हम चढ़ाते हैं ना भगवान को, वो सब निकाला। और इस बार ना मैंने घर पे कुछ भी नहीं बनाया। हर साल मैं बनाती हूँ घर पर, लड्डू बनाती हूँ और वो चिक्की जो होती है ना वो बनाती हूँ, बट इस बार मेरे पास ना बिल्कुल टाइम नहीं था कुछ भी करने का। इवन मैं तिल्ली खरीद के भी लाई थी लेकिन मुझे समय बिल्कुल नहीं मिला, तो मैंने मार्केट से ही जितने तरीके के ये मिल रहे थे ना उतने तरीके के ले आई थी, ताकि भगवान को भी चढ़ा देंगे और खुद भी खा लेंगे। एक्चुअली बहुत मज़ा आता है तिल्ली वगैरह, मतलब ये कैसी होती है, एक बार ही खाए ना आपने तिल्ली का लड्डू तो आप रुक नहीं सकते। हम लोगों ने तो इतने सारे खाए ना तिल्ली के लड्डू और ये राजगिरी के और फल्ली के लड्डू, मतलब एक मुंह में डालो और सोचो कि यार अब इसके बाद नहीं खाना है, तो ऐसा नहीं होता, वो नॉन स्टॉप बस चलते ही जाता है चलते ही जाता है। तो मैंने तो ढेर सारे भी लेकर आई थी, तो अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए, मुझे लगता है एक आध पैकेट बचा है बस अभी। सो भगवान की पूजा करी फिर अच्छे से, फिर थोड़ा सा आटे का हलवा बनाया अग्नि जमाने के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा दिन होता है मकर संक्रांति, तो उस दिन अग्नि भी जमाना चाहिए, मतलब जो आपके पूर्वजों को और देवताओं को सबको करते हैं, मतलब बेसिकली आप छोटा सा हवन टाइप करते हो अपने किचन में। मेरी मदर इन लॉ तो ऑलमोस्ट हर फेस्टिवल में करती हैं ये, बट मैं हर फेस्टिवल में तो नहीं कर पाती। इससे एक्चुअली बहुत पॉजिटिविटी भी आती है घर में, घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। सो अब जा करके मेरे सारे काम हुए हैं और अब मैं रेडी होंगी। राम एक्चुअली सो गया तो मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, उसको ब्रेकफास्ट कराया, फिर उसको सुलाया, फिर उसके बाद मैं पूजा करी, फिर उसके बाद अग्नि जी माई, बहुत सारी चीज़ें करी, तो अब मुझे टाइम मिला। और बहुत लेट है हम लोग, मुझे मंदिर जाना है, फिर मेरी फ्रेंड के यहाँ जाना है, उसके यहाँ गृह प्रवेश की पूजा है, फिर रात में मुझे एक हल्दी कुमकुम में जाना है। आज का पूरा दिन बिल्कुल पैक्ड है, बट अच्छा है, मुझे एटलीस्ट हम लोगों के लिए कुकिंग नहीं करनी है। मुझे बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना था, बन गया। आफ्टरनून में राम के लिए कुछ बनाना होगा, टिमटिम तो मेरी फ्रेंड के यहाँ ही खा लेगी, पूजा है तो वहाँ हम लोगों का लंच भी है। सो मैं पहले ना फटाक से रेडी हो जाती हूँ, और राम सो रहा है तो उसको सोते में ही मैंने टीका वीका सब लगा दिया, दिखाती हूँ आपको। तो ये हो गई हूँ मैं रेडी, मैंने पहना है ये पर्ल का नेकलेस, हाथ में ये वाले बैंगल्स, और फेस ऐसा कुछ है, मैं कैमरे से दिखाती हूँ आपको। सो ये है, राम उठ चुका है, सब रेडी हैं, बस मैं ही बची थी तो मैं भी रेडी हूँ। बस मुझे बिंदी की कमी है, बिंदी लगा लेती हूँ एंड आई थिंक मैं रेडी हो जाऊँ, मतलब रेडी हूँ। और हम लोग बहुत लेट अभी तक मंदिर नहीं गए हैं और काफ़ी लेट चल रहे हम लोग, तो फटाक से बिंदी लगा लेती हूँ छोटी सी एक, और फिर चलते हैं। उप्स, मेरा पता नेल पेंट लगाना रह गया यार, ऐसा होता है अगर से किसी भी दिन ना कम्प्लीटली सोचो कि कम्प्लीटली रेडी हो गए, नहीं उस दिन कुछ ना कुछ तो मिसिंग होता ही है, तो आज नेल पेंट मिसिंग है, अब टाइम नहीं है मेरे पास नेल पेंट लगाने का, तो चले। सो बस अब हम लोग मंदिर पहुंचने वाले हैं, टिमटिम पीछे बैठी है और ये है राम मम्मा की गोदी में। धूप बहुत है, बहुत लेट हो गए यार। सो बस पहुंच गए थे हम लोग मंदिर, और फिर मेरे हस्बैंड ने बोला लाओ मैं शूट करता हूँ तुम लोगों को, तुम लोग चलो आराम से। तो जब उनके हाथ में कैमरा होता है ना तो वो बहुत लंबी लंबी क्लिप्स बनाते हैं, मैं इतनी लंबी क्लिप नहीं बनाती हूँ। तो उस दिन बहुत अच्छा लग रहा था, एक तो छुट्टी भी थी, वीकेंड थी, तो बहुत सारे लोग भी आए थे, एंड ऐसे भी जनरली ना मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छी भीड़ होती है, बहुत अच्छा लगता है मंदिर जाना, और अच्छे से दर्शन भी हुए हम लोगों के। पहले लग रहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, बट भीड़ तो थी लेकिन मैनेज अच्छे से कर रखा था, तो अच्छे से दर्शन हो गए। मैंने वो जो मुझे भगवान, मतलब मैंने इसके एक पहले वाले ब्लॉग में दिखाया था ना कि संक्रांति के दिन थोड़ा दान करते हैं, तो जो चीज़ें मैंने निकाली थी ना वो भी मैंने यहाँ मंदिर में ही ले जाके दे दी थी पंडित जी को। आप किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, मैंने पंडित जी को ले जा करके दे दिया था। हो गए हमारे दर्शन,
थोड़ी फोटोज वोटोज क्लिक करेंगे। बहुत अच्छा क्राउड है, सब इतने अच्छे से रेडी होके आए, लाइक बिल्कुल महाराष्ट्रियन कल्चर वाला जो था बहुत अच्छे से रेडी होके आए। दर्शन हो गए हमारे और अभी मैं जा रही हूँ मेरी फ्रेंड के यहाँ, जैसे कि मैंने बताया उनका पूजा है। सो बस मजा आ रही है आपको राम? मजा आ रही है आपको? इसलिए मैं गले में कुछ नहीं पहनती हूँ, बहुत खींचता है। सो यहाँ हम पहुँच गए थे मेरी फ्रेंड के सोसाइटी, जो उन लोगों ने अभी न्यू घर लिया है ना, वहाँ पर बस कार से उतर रही थी और फिर बच्चों को लेना, बच्चों का सामान लेना, इतनी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। और मैंने ना साड़ी इसलिए पहना कि मुझे वहाँ पर टाइम लगने वाला था और राम को फीड वगैरह कराने के लिए ना अच्छा रहता है साड़ी में, क्योंकि मेरे पास सूट ना है तो फीडिंग कुर्ते, बट वो बहुत ऐसे अच्छे नहीं है, ऐसे डेली वेयर टाइप ही हैं। तो मैंने सोचा मैं साड़ी पहन लूँगी तो उसको फीड वगैरह कराने में भी अच्छा रहेगा। अभी वो इतना छोटा है कि वो उसको बीच में फीड देना ही पड़ता है, ऐसा पानी से और सॉलिड से नहीं चलता काम। सो मेरी फ्रेंड के साथ हम 4 बजे आ गए थे, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया। हाँ हाँ रुक जाओ, फिर अभी बज रहे हैं अराउंड 7 o'clock और अब मैं राम को करा रही हूँ डिनर। ये मैंने खिचड़ी बनाई है, वेजिटेबल खिचड़ी, बड़ी प्लेट में थोड़ा फैला के लिया है ताकि वो ठंडा हो जाए जल्दी। तो सभी खिचड़ी खाएंगे अभी, क्योंकि आज मकर संक्रांति है, संक्रांति के दिन खिचड़ी खाते हैं। सो बस ये ठंडा हो जाए फिर इसको खिलाना स्टार्ट करूँगी। फिर इसको खिला के मुझे आज हल्दी कुमकुम में भी जाना है, तो फिर पटाक से रेडी होंगी हल्दी कुमकुम के लिए। सो अभी ये रेस्टलेस हो गया, इसको खिलाते हैं। एक्चुअली इसको लगी है भूख, तो पटाक से मैं पहले इसको खिला दूँ। बस ऑन द बस गोस स्विश स्विश। सो यस अब मैं रेडी हो रही हूँ हल्दी कुमकुम में जाने के लिए। सो मैंने ना ये बहुत ही प्यारी सी अंग रखा, एक मेरे पास में कुर्ती है जो कि बहुत ही लॉन्ग है, काफ़ी प्रिटी सी ये पहनी है, और इसके ऊपर मैं डालूंगी दुपट्टा। सो दुपट्टे में एक्चुअली मैं कंफ्यूज हूँ। सो एक मैंने ये रेड दुपट्टा सेलेक्ट किया है, कॉटन का है ये दुपट्टा, ये रहा। और एक मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है, ये है सिल्क का दुपट्टा। सो टिमटिम ने मुझे हेल्प किया है ये सिलेक्ट करने में, उसके अकॉर्डिंग मुझे ये पहनना चाहिए। मैंने भी पहले मतलब मैं पहले सोच रही थी रेड के साथ जाऊंगी, बट ये लगाने के बाद भी मुझे लगा नहीं ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, और टिमटिम ने भी बोला कि मम्मा यही पहनो, तो मैं ये पहन रही हूँ। और रेडी मैं मतलब फेस पे तो ऐसा सच कुछ नहीं करूँगी, आँखों का वो ब्लैक ब्लैक सा फैला हुआ है क्योंकि सुबह मैंने थोड़ा सा लाइनर लगाया था। सो पता क्या है, मेरा ये पूरा यहाँ जहाँ मेकअप रखा है ना, ये पूरा फैल गया है, क्योंकि मैं एक पेपर कुछ दिन पहले ढूंढ रही थी जो मैंने यहीं पर छुपाया था, तो वो पेपर ढूंढने के चक्कर में मैंने ये पूरा 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 बिल्कुल फैला दिया है। तो मुझे ना ही मेरा मस्कारा मिल रहा है, ना ही मुझे मेरा अच्छा वाला लाइनर मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो मैं बस ऐसे जो सूखे हुए चीज़ें ना वही सब मिल रहे हैं मुझे, ये सब ना सॉर्ट करना है और फेंकना है, जो चीज़ें सूख गई हैं और पुराने हो गए हैं ना उनको। तो मैं फटाक से रेडी रहती हूँ। और ये मंगलसूत्र ना मैं इस बार गई थी ना, मैं ससुराल कब गई थी, नवरात्रि में, तब मैंने वहाँ से बनवाया। मैं मेरा गोल्ड सब कुछ वहीं से लेती हूँ, बिकॉज वहाँ का गोल्ड काफ़ी अच्छा होता है। सो ये मैंने एक बड़ा मंगलसूत्र, मेरा मन था बड़ा पेंडेंट लेने का, तो लेकर के बनवा लिया से कभी कभी पहनने के लिए। एंड डेली तो मैं पहनती नहीं हूँ क्योंकि राम बहुत खींचता है। खैर राम का बहाना है ये, पहले भी मैं डेली नहीं पहनती थी, जैसे कहीं जा रहे हैं या कोई फेस्टिवल तो पहनती थी, तो छोटे वाला पहनती थी। तो अभी मैंने ये एक बड़ा भी बनवा लिया। फटाक से मस्कारा लगा लेती हूँ, मैंने लाइनर भी लगा लिया, बिकॉज मैंने सुबह जो लगाया था ना लाइनर बहुत ही मतलब ऐसे दिख रहा था बहुत ज़्यादा, सो मैंने उसके ऊपर ही लाइनर लगा लिया। एंड थोड़ी ज़्यादा रेड दिख रही है ये, बट इतनी रेड नहीं है, अभी शायद सूखेगी ना तो ठीक है। राम बैकग्राउंड में चिल्ला रहा है क्योंकि उसको ना मतलब आपको मेरे हर वीडियो में उसकी आवाज़ आएगी बैकग्राउंड में, क्योंकि वो जब मुझसे दूर होता है ना तो वैसे ही चिल्लाता है, तो हर वीडियो में आएगी आपको। बस अभी पापा के पास है बट फिर भी वो मैम 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 चल रहा है उसका, वो दिन भर पापा पापा करता है और शाम होते ही उसको मम्मा की याद आ जाती है। हो गई मैं रेडी, बस बिंदी लगा लूं। सो अभी क्या है, यहाँ पर बहुत ज्यादा हल्दी कुमकुम वगैरह होते हैं तो अच्छा लगता है जाने में,
जैसे कोई बुलाता है तो। वैसे तो मेरी बहुत लोगों से पहचान नहीं है, बहुत कम लोगों से पहचान है, बट जिनसे है थोड़ी बहुत पहचान वो बुलाते हैं तो मैं जाती हूँ। और क्या ज़्यादा टाइम नहीं लगता है हल्दी कुमकुम में, आप गए फट से हल्दी कुमकुम हुई और आप आ जाओगे, तो वो भी सही रहता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैं जा, और यहाँ पर पता लेडीज़ बहुत अच्छे से रेडी होती हैं हल्दी कुमकुम में, लाइक प्रॉपर वो महाराष्ट्र नथ और ये सारी चीज़ें, मतलब जो यहाँ का नहीं है उनके लिए बता रही हूँ, बाकी जो यहाँ के उन लोगों ने तो देखा ही होगा। जैसे आज मैं मंदिर भी गई थी तो सब इतने अच्छे से रेडी होके आए थे, अपनी वो नववारी साड़ी प्लस महाराष्ट्र नथ सारी चीज़ें बहुत ही मतलब अच्छे से रेडी होकर के आए थे। सो मैंने कंघी भी कर लिया, मैं बाल ओपन ही रखूँगी अभी, एटलीस्ट जितने दिन तक के ये ट्रीटमेंट है उतने दिन खुले बालों को एंजॉय कर लेती हूँ। खैर मैं बाद में फिर से करवा लूँगी क्योंकि अब मुझे स्ट्रेट हेयर अच्छे लग रहे हैं। मेरा हेयर केयर रूटीन लाइव है, जिसने नहीं देखा होगा देख लेना कि मेरा अभी मतलब स्मूदनिंग के बाद में कैसे केयर कर रही हूँ और बाकी सारी चीज़ें। सो हो गई हूँ मैं रेडी और अभी टैग निकलवाना है इस कुर्ते का, टिमटिम से निकलवाऊँगी। ये मैंने ले लिया है दुपट्टा, ठीक है कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है ये, ठीक है मैं जा रही हूँ, लेट हो जाएगा नहीं तो मुझे। सो ये गजरा और ये जो स्टील की कटोरी है ना, ये हल्दी कुमकुम में मिली थी मुझे, और ये नेल पेंट मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। मैंने ना हल्दी कुमकुम में जान से थोड़ी देर पहले लगाई थी बट मुझे बहुत ही गंदी लगी, मैं घर आके मैंने चेंज कर लिया, बट मैंने गजरा लगा लिया क्योंकि मिला था ना, सो आई थॉट कि लगा लेते हैं, छोटी वोटी कर ली, मेकअप नहीं उतारूंगी, बिंदी बिंदी कुछ नहीं, बस अब मैं जा रही हूँ, ड्रेस चेंज कर लिया, मैं जा रही हूँ वॉक के लिए, आधे घंटे तो वॉक करती हूँ, फिर घर आएंगे, फिर देखेंगे क्या करना है, क्योंकि लंच वगैरह तो हो, सॉरी डिनर वगैरह तो हो चुका है, खिचड़ी खाई है। सो घर आके बस वही फिर डेली का रूटीन होता है, बर्तन डिश वॉशर में लगाना और ये सारी चीज़ें। तो मैं फिलहाल राम को लेकर जा रही हूँ थोड़ी सी वॉक करने, चलो राम। सो बस अब इस व्लॉग को मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।